हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जोन प्लेट के बारे में। जोन प्लेट क्या होती है और कैसे इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ओवरऑल जोन प्लेट के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ जोन प्लेट के बारे में। तो आज क्या समझने वाले हैं, सिर्फ जोन प्लेट और उसके टाइप्स के बारे में, और कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये भी इस वीडियो में सीख लेंगे। तो ठीक है, देखिए ऑलरेडी मैंने कुछ डायग्राम बना दिया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले ये समझा जाए कि क्या होता है जोन प्लेट। तो जोन प्लेट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जोन प्लेट इज़ अ स्पेशल डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। सिर्फ इतना अगर आपको याद रहेगा तो आगे के दो वर्ड्स मैं जोड़ दूंगा और डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। पहले थोड़ा सा बढ़ाना है, बताना है कि क्या होता है जोन प्लेट। तो हेडिंग में लगा देता हूं जोन प्लेट। तो जोन प्लेट क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल कह लीजिए, एक एप्लीकेशन कह लीजिए, किस पर, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन का एक बेस्ट एप्लीकेशन है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। तो ये फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन का एक एप्लीकेशन है। जोन प्लेट क्या है, जोन प्लेट एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन का। जोन प्लेट इज़ अ स्पेशल डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। कैसी है, स्पेशल डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। क्या होता है इसमें, डिवाइस इन विच अल्टरनेट जोन्स ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट। सिंपल सी आपने बात समझी कि जोन प्लेट एक्चुअली में क्या है। तो जोन प्लेट के बारे में सिर्फ यहां से बताना है, जोन प्लेट इज अ स्पेशल डिफ्रैक्टिंग डिवाइस इन विच अल्टरनेट जोन ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट। ये तो हो गया जोन प्लेट। अब जोन प्लेट में और क्या होता है, देखिए जोन प्लेट में ये है, एंड फॉर्म द रियल इमेज। ये रियल इमेज फॉर्म करता है, किधर फॉर्म करता है, ऑन अपोजिट साइड में इमेज को फॉर्म करता है। देखिए और भी अच्छी बात है जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये बात है कि जोन प्लेट किसकी तरह काम करता है, किसकी तरह, कॉन्वेक्स की तरह या कॉनकेव की तरह। तो यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, जोन प्लेट बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर्म्स रियल इमेज ऑन अपोजिट साइड। तो ये तो बात हो गई किसके लिए, सिर्फ जोन प्लेट के बारे में। तो जोन प्लेट के बारे में मैंने लिख भी दिया है और आपको बता भी दिया है, जोन प्लेट एक स्पेशल डिफ्रैक्टिंग डिवाइस होती है इन विच अल्टरनेट जोन्स ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट, जिसमें अल्टरनेट जो जोन्स होते हैं वो लाइट को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, जोन प्लेट किसके तरह काम करने लगती है, जोन प्लेट काम करने लगती है एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप टिक कर लीजिए, जोन प्लेट बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये कैसी इमेज फॉर्म करती है, जोन प्लेट रियल इमेज फॉर्म करती है ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, तो फॉर्म्स रियल इमेज ऑन अपोजिट साइड। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है जोन प्लेट का, कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन भी देख लीजिए आप,
कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल तरीके से कंस्ट्रक्शन आपको लिखना होता है। आप क्या लेते हो, आप लेते हो वाइट सीट ऑफ पेपर, तो मैं क्या लिखूंगा, टेक अ वाइट सीट ऑफ पेपर, टेक अ वाइट सीट ऑफ पेपर। पेपर पे क्या करोगे आप, आपने वाइट सीट ऑफ पेपर ले लिया, टेक अ वाइट सीट ऑफ पेपर, यहां लिखा हुआ मैंने वाइट सीट, वाइट सीट ऑफ पेपर एंड ड्रा सीरीज कंसेंट्रिक सर्किल्स। आपने क्या किया, सीरीज कंसेंट्रिक सर्किल्स ड्रा कर दिए। लेकिन सर्किल्स ड्रा करते समय माइंड में आपके दो बातें चलनी चाहिए, क्योंकि कैसे भी सर्किल ड्रा कर देना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जोन प्लेट की अपनी कंडीशन है, जो दो बातें कंडीशन के तौर पे इन्वॉल्व हैं वो कौन सी दो बातें हैं वो देखिए। ड्रा द सीरीज, ड्रा एंड ड्रा का सीरीज कंसेंट्रिक सर्किल्स विथ रेडियाई, विथ रेडियाई, कैसी रेडियाई होनी चाहिए, विथ रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज हाफ पीरियड जोन्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन दी गई, क्या दी गई कंडीशन, ये दी गई कि आप जो सर्किल ड्रा करोगे उनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, वो रेडियस होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ, रेडियस मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन्स आर इक्वल। जो भी आप हाफ पीरियड जोन्स ड्रा करोगे, ठीक है, फ्रेजनल ने तो ये एजम्पशन लिया ही था, लिया कैसे था, लिया इस तरह से था कि उन्होंने जब पाथ डिफरेंस लिया ईच एंड एवरी हाफ पीरियड जोन्स के बीच में, जो कंजिगेटिव हाफ पीरियड जोन्स लिए उनके बीच में उन्होंने जो पार्ट डिफरेंस लिया वो लेमडा बाई टू का लिया। जैसे ही पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू का एक करते हैं या फ्रेजनल ने लिया था, तो उसको जब रखा उन्होंने फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में, और उसी को जब रिलेट किया फेज डिफरेंस और टाइम के साथ, तो देखा टाइम की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, टी बाई टू। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, देखिए फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ (Δx), ठीक है। अब 2π/λ मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, देखिए ये हुआ था, फ्रेजनल ने ये जम्सन लिया था कि जो कॉन्जिगेटिव हाफ पीरियड जोन्स होंगे उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू होगा। तो देखिए Δφ = होता है 2π/λ (Δx). अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करूँ लेमडा बाई टू, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल आ गया, कितना पाई आ गया। अब मैं इसी चीज़ को ज़रा रिलेट कर दूँ किससे, Δφ = हो जाता है 2π/T (Δt). अब टाइम पीरियड देखता हूँ, तो टाइम पीरियड कितना आएगा इन कॉन्जिगेटिव हाफ पीरियड जोन्स, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, Δφ की वैल्यू टी हो गई, यहाँ देखिए पाई आया था तो पाई रख दिया आपने, यहाँ से 2π, यहाँ से टी, Δt क्या आ जाएगा, जाके पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से T/2 आ गया, तो Δt जो आया वो T/2। इस तरह से फ्रेजनल ने क्या लिया था कि जो टाइम होता है हाफ पीरियड होता है, मतलब जो जोन्स के बीच में टाइम इंटरवल है वो कितना है, T/2 है, इसीलिए उन्होंने हाफ पीरियड जोन्स बोला था, अदरवाइज जोन्स बोल सकते थे, तो उन्होंने क्या बोला था, हाफ पीरियड जोन्स। हमारा अभी का मोटो क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन करना सीखा है, कैसे, एक प्लेन सीट आप पेपर लेते हैं और उस पर सीरीज कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, बनाते समय क्या याद रखना है कि रेडियाई मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन्स आर इक्वल। दो बातें सिर्फ
फिगर को या कंस्ट्रक्शन करते समय जोन प्लेट्स की याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि कितने तरीके का हो सकता है जोन प्लेट। दो तरीके का होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बात करूं टाइप्स ऑफ जोन पीरियड, जी सॉरी टाइप्स ऑफ जोन प्लेट। तो दो तरह की जोन प्लेट होती हैं। तो पहली जो जोन प्लेट होती है वो कौन सी है उसको जरा देख लीजिए। टाइप्स ऑफ जोन प्लेट, टाइप्स ऑफ जोन प्लेट, टाइप्स ऑफ जोन प्लेट। दो तरीके की जोन प्लेट्स होती हैं और पहली हमारे पास है नेगेटिव जोन प्लेट्स। मैं लिख देता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जोन प्लेट, टू टाइप्स ऑफ जोन प्लेट। वन और टू, हमारे पास दो तरह की जोन प्लेट हैं। कैसी कैसी हैं? एक तो हमारे पास नेगेटिव जोन प्लेट है, और दूसरी हमारे पास पॉजिटिव जोन प्लेट है। तो नेगेटिव जोन प्लेट को कैसे बनाया जाता है, पॉजिटिव जोन प्लेट को कैसे बनाया जाता है, अब आपको वो समझना है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कि कैसे बनाना है। ठीक, देखिए नेगेटिव जोन प्लेट को बनाने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, एक वाइट सीट ऑफ पेपर लेना है। कैसे लेना है? वाइट सीट ऑफ पेपर लेना है, उस पर सीरीज कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं। और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या याद रखना था कि जो रेडियाई होने चाहिए वो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए, और हाफ पीरियड जोन, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स मस्ट बी इक्वल, दो बातें होनी चाहिए। तो थोड़ा सा काम आपने कर लिया, सीट आप वाइट सीट ऑफ पेपर ले लिया, उस पर आपने बहुत सारे सर्कल्स बना दिए, सीरीज सर्कल्स बनाए, रेडियाई आपने कंसिडर कर ही ली है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा, और एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन्स वो इक्वल है, कर दिया। करने के बाद क्या देखना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, पेंटेड ब्लैक करना है। क्या करना है? पेंटेड ब्लैक करना है। किसको करना है? आपको पेंटेड ब्लैक करना है इवन इवन जोन पीरियड को। किसको करना है? इवन जो जोन्स होंगे, ठीक है, इवन जोन्स को आपको पेंटेड ब्लैक करना है। कैसे करना है उसका जरा हिसाब किताब लगा लिया जाए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा दूं। देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। मैंने आपको बोला कि एक वाइट सीट ऑफ पेपर लेना है, उस सीट ऑफ पेपर पर क्या करने हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, और बनाते समय आपको क्या याद रखना था कि रेडियाई कैसे लेनी है और हाफ पीरियड जोन्स, एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन्स वो कैसे लेना है। उन दोनों चीज़ों को समझने के बाद हम पहुंच गए अब टाइप्स ऑफ जोन प्लेट्स। तो जोन प्लेट के बारे में मैंने बताया कि दो तरीके की होती हैं, और उसमें से पहले हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं नेगेटिव जोन प्लेट। क्या करने जा रहे हैं? नेगेटिव जोन प्लेट। तो नेगेटिव जोन प्लेट के लिए क्या बताना है? इन नेगेटिव जोन प्लेट, इन नेगेटिव जोन प्लेट क्या होता है? इन नेगेटिव जोन प्लेट जो इवन नंबर जोन होते हैं, इवन नंबर ऑफ जोन्स, इवन नंबर ऑफ जोन्स, इवन नंबर ऑफ जोन्स। तो देख रहे हैं फिगर ऑफ, पहले मैंने इधर लिखा हुआ है कि फिगर में क्या है, एक ड्राइंग होती है, पहले आपको ड्राइंग बनानी है। तो आप ड्राइंग बना दीजिए, बहुत सारे सर्कल्स बना दीजिए, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। फिर क्या हुआ, इवन नंबर ऑफ जोन्स आर पेंटेड ब्लैक, पेंटेड ब्लैक। तो आप पहले उनको पेंटेड ब्लैक कर दीजिए। तो मैंने देखिए पेंटेड ब्लैक कर दिया हुआ है, किसको किया हुआ है, जो इवन नंबर ऑफ जोन्स हैं। तो इवन नंबर जोन्स कौन सा है, टू है, फोर है, सिक्स होगा, सिक्स बना, इसे बना हुआ नहीं है, नहीं तो सिक्स इसके बाद वाला होगा। देखिए ये फोर नंबर था, फाइव हो गया, इसके बाद सिक्स आएगा। तो जो भी इवन नंबर ऑफ जोन्स हैं उनको आपको पेंटेड ब्लैक करना है। और क्या करना है, एंड हाईली रिड्यूस फोटोग्राफ, एंड हाईली हाईली रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड फोटोग्राफ फोटोग्राफ
इज टेकन एंड हाईली रिड्यूस फोटोग्राफ इज टेकन ऑन प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, हमने क्या लिया, एक उसका हाईली रिड्यूस फोटोग्राफ ले लिया, कहां ले लिया, प्लेन ग्लास प्लेट पर ले लिया। ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस अरेंजमेंट, नेगेटिव ऑफ दिस अरेंजमेंट, नेगेटिव ऑफ दिस अरेंजमेंट गिव्स नेगेटिव जोन प्लेट। क्या देती है, नेगेटिव जोन प्लेट। नेगेटिव का मतलब उल्टा नहीं, जैसे आप फोटोग्राफ्स लेते हो तो उस फोटो की नेगेटिव मिलती है, नेगेटिव मतलब एक फिल्म मिलती है, उस फिल्म में क्या दिखता है, उस फिल्म में कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अभी मैं बना के दिखाता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ, नेगेटिव ऑफ दिस अरेंजमेंट गिव्स नेगेटिव जोन प्लेट। इसका जो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ऑफ ड्राइंग है, ये क्या है, नेगेटिव ऑफ ड्राइंग है, ये नेगेटिव ऑफ ड्राइंग। इस ड्राइंग का जो नेगेटिव है वो क्या देता है, इस ड्राइंग का जो नेगेटिव होगा वो देगा नेगेटिव जोन प्लेट। तो यहां पे नेगेटिव जोन प्लेट आपको मिल जाएगी। जरा देखिए यहां पर कितना था, 2 को ब्लैक, 2 को आपने पेंटेड ब्लैक किया, 4 को किया, तो यहां पर 2 और 4, यहां पे 2 और 4 से लाइट पास होगी, क्या हो जाएगा, 1 वाला कवर्ड हो जाएगा, 3 वाला कवर्ड हो जाएगा, फिर 5 कवर हो जाएगा। इसका मतलब होता क्या है, इन नेगेटिव जोन प्लेट क्या होने वाला है, इन नेगेटिव जोन प्लेट लाइट केवल ट्रांसमिट होगी, लाइट केवल ट्रांसमिट होगी किससे, 2 से 4 से 6 से। तो जिनको आपने पेंटेड ब्लैक किया था, जब उनका नेगेटिव लोगे तो वो वाले क्या होंगे, उनसे केवल लाइट पास होगी, बाकी के क्या होंगे, बाकी के वो डार्कनेस आ जाएगी। मतलब कुछ ऐसा आया, कैसा, इन नेगेटिव जोन प्लेट, इन नेगेटिव जोन प्लेट लाइट ओनली ट्रांसमिट, इन नेगेटिव जोन प्लेट्स इवन नंबर ऑफ जोन्स ओनली अलाउड टू लाइट ट्रांसमिट, ओनली अलाउड टू लाइट ट्रांसमिट एंड ऑड नंबर ऑफ जोन्स ऑब्स्ट्रक्ट्स, यहाँ क्या करते हैं, रोक देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट। तो ये बात आपको समझनी होगी कि हम पहले ड्राइंग बनाते हैं, फिर ड्राइंग का हम नेगेटिव लेते हैं, और वो जो नेगेटिव होगा वो देता है नेगेटिव जोन प्लेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो इवन नंबर ऑफ जोन्स थे उनको मैंने पेंटेड ब्लैक किया, फिर उसका नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव में क्या आया, जिनको हमने ब्लैक किया था उन्हीं से लाइट ट्रांसमिट होती है, केवल वही जोन्स लाइट को ट्रांसमिट होने देते हैं, जो ऑड नंबर ऑफ जोन्स होते हैं वो लाइट को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, नेगेटिव जोन प्लेट मिल जाती है। अब हम समझना ये चाहेंगे कि पॉजिटिव जोन प्लेट में क्या होता है, तो पॉजिटिव जोन प्लेट में सेम ऐसे ही होने वाला है। देखिए, इन पॉजिटिव जोन प्लेट जैसा ऊपर मैंने लिखा है सेम ऐसे ही लिखना है। क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पे इवन नंबर ऑफ जोन्स आर पेंटेड ब्लैक। यहां कैसे होते हैं, यहां पर इवन नंबर नहीं होते, यहां पर क्या होता है, यहां पे ऑड नंबर ऑफ जोन्स आर पेंटेड ब्लैक।
यहाँ पे पेंटेड ब्लैक कर दिए गए, 1, 3, 5 को हमने पेंटेड ब्लैक कर दिया। अब हमें क्या लेना है, इसका नेगेटिव लेना है, तो क्या लेना पड़ेगा, पेंटेड ब्लैक एंड हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ इज टेकन, एंड हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ इज टेकन, कहाँ लेना है, ऑन प्लेन ग्लास प्लेट नेगेटिव ऑफ दिस अरेंजमेंट गिव्स, जो नेगेटिव ऑफ दिस अरेंजमेंट होगा वो क्या दे देगा, गिव्स पॉजिटिव जोन प्लेट दे देगा। अब हो क्या रहा है, देखिए जरा सा, यहाँ पर हमने किसको पेंटेड ब्लैक किया था, हमने ब्लैक किया था किसको, 1 को 3 को, तो हमें क्या होगा, 1, 3, 5 से ही लाइट मिलेगी, बाकी के क्या होंगे, बाकी से लाइट ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, 4 बंद हो जाएगा, ठीक, 4 से 5 से लाइट मिलेगी, 6 नंबर बंद हो जाएगा, इसका मतलब हो गया इन पॉजिटिव जोन प्लेट लाइट ट्रांसमिटेड वनली थ्रू ऑड नंबर ऑफ जोन्स एंड इवन नंबर ऑफ जोन्स ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट, ठीक। तो जो इवन नंबर है वो यहाँ पे लाइट को क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और जो ऑड नंबर ऑफ जोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि लाइट ट्रांसमिट हो जाए। अच्छा, इन सारे जोन्स को रखते कैसे हो, जरा उसको मैं एक पिक्चर मतलब दिखा देता हूँ पेज में, जैसे कि मैंने बना के रखा है, देखिए आप ये देख रहे हो सीट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने जोन्स बना दिए हैं, बहुत सारे जोन्स, ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, और इन कंसेंट्रिक सर्कल्स में देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ 1 नंबर पे नहीं जा रही, ठीक, केवल 2 से लाइट पास हो रही है, 1 से 3 से 5 से, ये कैसे हैं, इनको मैंने यहाँ क्या कर दिया है, पेंटेड ब्लैक कर दिया था, किसको, तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अभी ये जो बन के आ रहा है ये ब्लैक नहीं है, ये नेगेटिव है, किसका, देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में लाइट जो ट्रांसमिट हो रही है कहाँ से हो रही, 2 से हो रही, तो जो ये पॉइंट है वो क्या है, वो नेगेटिव है, ये देखिए हमने क्या बोला, नेगेटिव जोन प्लेट में पहले क्या करते हैं हम लोग, 2, 4, 6 जो इवन नंबर ऑफ जोन्स हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको पेंटेड ब्लैक कर रहे हैं। जब हमने उसका नेगेटिव लिया तो कुछ ऐसा मिला, ऐसा मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी फीलिंग आई, मतलब क्या हुआ, हमको लाइट 2 से पास होती हुई दिख रही है, हमको लाइट 4 से पास होती दिख रही है, और ये 6 से। अच्छा, ये सारे जो जोन्स होते हैं वो ऐसे नहीं रखे जाते, उनको ऐसे करके रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, ऐसे एक सीट के थ्रू, ठीक, आप ऐसे रखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ये तो ये लाइट ऐसे जाएगी इस साइड से, उधर कहीं इमेज बनेगी, तो लाइट क्या होती है, इन जोन से डिफ्रैक्ट हो जाती है, इन जोन से लाइट, देखिए यहाँ से इस जगह से लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस जगह से लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट होगी, इसके अपर से और इनसाइड, और देखिए एक इनसाइड सर्कल्स बन रहा है, एक आउटसाइड, ऐसे ही यहाँ इस अपर सरफेस से इनर सरफेस से, अपर सरफेस से लाइट जब रिफ्रैक्ट होकर के किसी पॉइंट पे पहुँचेगी तो वहाँ पर क्या होगा, अच्छा पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, यही तो डिफ्रैक्शन है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही जरा देखिए दूसरा फिगर, दूसरे में देखिए ये आपके पास कैसा है, इस फिगर को देख रहे हो तो यहाँ से लाइट जो ट्रांसमिट हो रही है वो कहाँ से जा रही है, वो 1 से 3 से 5 से 7 से, जब लाइट ट्रांसमिट हो
8 नंबर आप जोन से और जो इवन नंबर आप जोन से वो क्या कर रहे हैं, वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये पॉजिटिव जोन प्लेट हो गया। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, आप नहीं बनाना चाहते ड्राइंग मत बनाइए, डायरेक्ट आप बना दीजिए जोन प्लेट्स। 1, 3, 5 से लाइट ट्रांसमिट होगी और जो ऑड इवन नंबर्स होंगे वो अगर लाइट को रोक रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव जोन प्लेट है। अब इसको भी ऐसे देख सकते थे, इसकी फीलिंग आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए मैंने क्या बनाया, ये बनाया, 1 से लाइट पास हो रही तो 1 से लाइट पास होगी, 3rd से जा रही है 3rd से पास होगी, 5th से लाइट जा रही है तो पास हो रही है, ठीक है, फिर 6 से नहीं जाएगी, 6 से ये लाइन है, 7 नंबर पे ये लाइन आ जाती है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब आप दोनों को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट्स को एक साथ जरा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं और फिर सारी चीज़ें, मतलब थ्योरी ऑफ प्लेट्स, जोन प्लेट क्या होगी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ये है टोटल, तो आप देख रहे थे, मैंने नीचे लिख भी दिया है कि जो लाइट है अगर पास हो किससे, इवन नंबर ऑफ जोन से, अगर इवन नंबर ऑफ जोन से लाइट पास हो रही है तो वो डेफिनेटली नेगेटिव जोन प्लेट होगी। अगर ऑड नंबर ऑफ जोन से लाइट पास हो रही है तो देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि अगर 1 से पास हो, 3 से, 5 से, 7 से, तो पॉजिटिव जोन प्लेट है। और इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आसानी के साथ, देखिए यहाँ मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया, अब देखिए ऐसा दिख जाएगा। तो यहाँ पे 1 से, 3 से, 5 से, 7 से है तो ये पॉजिटिव जोन प्लेट, और यहाँ पे क्या है, 1 से नहीं, यहाँ से 2 से, 4 से, 6 से लाइट पास हो रही है, इसका मतलब ये हो जाता है, ये हो जाता है नेगेटिव जोन प्लेट। मैंने लिखा भी है लाइट पास थ्रू द इवन जोन प्लेट, अगर इवन जोन से पास हो रही है, इवन जोन से पास हो रही है तो वो होगा नेगेटिव। अगर आठ जोन से पास हो रही है लाइट, आठ जोन से पास हो, इवन वाले रोकने लगे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जोन प्लेट। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते थे, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया और समझा भी दिया है कैसे होता है। तो यहाँ फिगर में आप लिख सकते थे इस जगह पर, ये चीज़ क्या चीज़ मिली थी, ये मिला था नेगेटिव ऑफ, ये क्या मिला था, नेगेटिव ऑफ ड्राइंग। जो नेगेटिव ऑफ ड्राइंग है वो क्या देती है, वो पॉजिटिव जोन प्लेट देती है, पॉजिटिव जोन प्लेट। तो ये बेटा था ओवरऑल जोन प्लेट के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें आप देखोगे थ्योरी ऑफ जोन प्लेट या फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।